الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانا دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہو. وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس کو تو ایسی جگہ میں پھینک دیا جائے گا جو ہر چیز کو چورا چورا کرنے والی ہے، اور کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو دلوں پر چڑھ جائے گی. یقیناً وہ آگ ان جہنم والوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لمبے لمبے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے. آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے. اس سورت کا نام سورۃ الحمزہ ہے، حمزہ. یہ ہجرت سے پہلے اترنے والی سورت ہے اور اس کے اندر 9 آیت ہے. سورۃ القیامہ کے بعد سور مرسلات سے پہلے 32 نمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے. سورت کی پہلی آیت میں حمزہ کا تذکرہ ہے. لگتا ایسا ہے کہ اس کے اوپر سے سورت کا نام حمزہ بن گیا. حمزہ جو دو لفظ ہیں آیت کے اندر، ایک حمزتن اور لومزتن، ان دونوں لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ اس طرح کے کام کے اوپر جو اللہ کی طرف سے خطرناک سزا بیان کی گئی، اس سزا سے میری اور آپ کی حفاظت ہو جاوے. سورت کے پیچھے شان نزول ایسا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا
और धीरे धीरे लोग ईमान में दाखिल होने लगे। तो मक्का के अंदर जो सरदार किस्म के लोग थे उनको ऐसा लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान वाले ज्यादा हो रहे हैं। अब जब इनके मानने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। जो लीडर लोग होते हैं, सरदार लोग होते हैं, उनको हमेशा अपनी लीडरशिप और सरदारी को बचाने की फिक्र लगी रहती है। तो ये मक्का वालों के दिलों में हसद आ गई, दुश्मनी आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत करने लगे, हुजूर के ऊपर ताने टॉन मारने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हाजिर न होवे वहां हुजूर की बुराई करते थे, ईमान लाने वालों की बुराई करते थे। और बास तो इतने खतरनाक दुश्मन थे कि वो हुजूर के पास आकर मुंह पर बुरा भला बोलते थे। ऐसे बहुत सारे काफिर थे। एक काफिर का नाम अखनस था, दूसरे का नाम वलीद था, तीसरे का नाम उमैया था, चौथे का नाम जमील था। इस तरह के सब थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे और हुजूर के मुंह के सामने बुराई करते थे, ताने मारते थे और हुजूर को परेशान करते रहते थे। इस तरह के लोगों के लिए इस आयत के अंदर खास सजा बयान की गई। देखो, आज के जमाने के अंदर भी अगर कोई आदमी ऐसा बुरा काम करेगा तो उसको जहन्नम की सजा दी जाएगी। ये हुमजतुन क्या है? पीठ के पीछे यानी किसी की गैर हाजिरी में उसके ऊपर ऐब लगाने वाला, ये हुमजह कहलाता है। और लुमजह किसको कहते हैं? जो कोई मुंह के ऊपर जाकर किसी को ताना मारे उसको लुमजह कहा जाता है। तो गोया के किसी की गैर हाजिरी में उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई करना और उसके मुंह के ऊपर जाकर भी उसकी बुराई करना, ये दोनों चीज बड़ी खतरनाक है, बहुत बुरी चीज है। एक बात ये भी है कि हुमजतुन ऐसे आदमी को कहते हैं जो किसी के नसब में ताना देवे। क्या मतलब नसब? यानी तू तेरे बाप का नहीं है, वो या तेरी माँ ने नऊज़ु बिल्ला नाजायज ताल्लुक जीना करके तू पैदा हुआ था, तेरी माँ ऐसी थी। ऐसा आदमी हुमजा कहते हैं जो दूसरों के नसब और फैमिली के ऊपर इल्जाम लगावे। और लुमजा ऐसे आदमी को कहते हैं जो हाथ पांव के इशारे से और बॉडी की हरकत और एक्टिंग से दूसरों को हकीर बतलावे, दूसरों का इंसल्ट करे, दूसरों को बुरा बतलावे, वो लुमजा कहलाता है। बाज लोग इशारा करके बतलाते हैं कि ये ठिंगना है, बाज लोग चल के नकल करके किसी लंगड़े की नकल उतार करते हैं कि ये लंगड़ा है, बाज लोग एक आंख बंद करके दूसरे की बात करते हैं कि वो तो काना है, ऐसे लोग लुमजा कहलाते हैं। इसी तरीके से जबान से बुराई करे उसको हुमजा कहते हैं और काम के जरिए किसी को तकलीफ पहुंचावे उसको लुमजा कहा जाता है। गर्ज ये के बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं। तो इस आयत का खुलासा ये हुआ कि किसी इंसान की गैर हाजिरी में उसकी पीठ के पीछे भी उसकी बुराई नहीं करने की और उसके मुंह पर उसके सामने भी उसकी बुराई नहीं करने की, ताने नहीं मारने के, उसको तकलीफ नहीं देने की। अब होता क्या है कि आज हमारे समाज में इस तरह के लोग बहुत सारे हैं।
जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। एक तो ये लोग है, रात दिन इनका काम ही दूसरों को तकलीफ देना। नंबर दो, किसी की पीठ के पीछे गैर हाजिरी में उसकी बुराई करना। नंबर तीन, अपनी जुबान से लोगों को टोन मारना। नंबर चार, उस किसी के मुंह पर जाकर ऐसी बात कहना जिससे उसकी तोहीन होवे, इसकी इंसल्ट होवे। नंबर पांच, जो आदमी बेकसूर है, बेगुनाह है, ऐसे लोगों के ऐब और बुराई और फॉल्ट तलाश करना, ढूंढते रहना, ये सब चीजें बड़ी खतरनाक है और बहुत बुरी है, जो इस वक्त आम है हमारे अंदर। अल्लाह ये सब बुराइयों को छोड़ने की हमें तौफीक अता फरमावे। देखो भाई, किसी की पीठ के पीछे गैर हाजिरी में उसकी बुरी बात बयान करोगे तो वो बेचारा रोकने भी कैसे आएगा, इसलिए कि उसको तो बेचारे को खबर ही नहीं कि मेरे खिलाफ कोई बुरी बात बोल रहा है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मेरे ऊपर तोहमत लगा रहा है, तो वो बेचारा रोकने भी नहीं आ सकता। और जो है बाज मरतबा किसी के मुंह पर भी तुम कहो, लेकिन वो सामने वाला बेचारा कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, उसके पास ताकत नहीं है, तो आप जो कहोगे वो बेचारा चुपचाप मजबूर सुन लेगा, वो आपकी बोली हुई बात का डिफेंस नहीं कर सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। तो ये सब बुरी आदत है भाई। आज दुनिया में एक तबका कैसा है कि वो यूं कहते हैं कि मैं तो जो है ना वो मुंह पे कह देता हूँ। तो ये कोई जायज काम है कि जो कहे वो मैं मुंह पे कह देता हूँ? इसी को तो लुमजा कहा जाता है। किसी को कोई किसी के अंदर हकीकत में कोई बुरी बात है और आप उसको समझाना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो बहुत इकराम से, बहुत मोहब्बत से उसको प्यार से कहो, तन्हाई में कहो, अकेले में कहो। ये कोई तरीका हुआ कि सबके सामने कहो, उसका इंसल्ट करो, उसको जो है डरा धमका के कहो, ये कोई तरीका हुआ? इसी को लुमजा कहते हैं। तो जो लोग यूं समझते हैं कि मैं तो जो हो वो मुंह पे कह देता हूं ने, तो ये लोग जो है खुश फहमी में नहीं रहे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी को लुमजा कहते हैं। किसी को बिला वजह टोन मारना, किसी को बिला वजह बुरी बात कहना, किसी को तकलीफ पहुंचे ऐसी बात कहना, किसी को बदनाम करना, किसी का सबके सामने इंसल्ट करना, ये सब लुमजा कहलाता है। और ऐसे लोगों के लिए आयत में क्या कहा गया? वैल, यानी जहन्नम के खतरनाक कुएं में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को डाल देंगे। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। आगे एक बहुत पॉइंट की बात समझो कि जो लोग ऐसा करते हैं ने, पीठ के पीछे बात करना, मुंह पर टोन मारना, तो ये माल दौलत की वजह से होता है। बाज लोग यूं कहते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं जो चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जो बात बोलनी हो कह दो, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे पास ऐसी ताकत है, मेरी इतनी पहुंच है कि मुझे जो कहना हो, जहां कहना हो, जिसके सामने कहना हो, जब कहना हो, मैं धड़ा धड़ कह देता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये माल का तकब्बुर है, ये ताकत का तकब्बुर है, और अल्लाह ताला माल और ताकत के तकब्बुर को जब चाहे तब तोड़ के खत्म कर सकते हैं। बाद लोगों की आदत ही हो जाती है दूसरों को टोन मारना, ताने मारना, और फिर वो ऊपर से फखर में कहते हैं कि मैंने तो चौके ने छक्के मार दिए, चौखे ने चौखी बात सुना डाली, तो इस तरह फखर में कहते हैं। ये सब चीजें गलत है, ये गुनाह के काम है और ये सब माल की दादागिरी है। तो आगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या सब अल्लदी जमा माल अद्दा, जो माल को जमा करता है और गिन गिन करके रखता है। ये आयत भी जरा समझो। देखो भाई,
माल जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन माल जमा करने के लिए जरा समझो, नंबर एक, जायज तरीके से कमाओ, नाजायज तरीके से जमा मत करो। नंबर दो, अल्लाह ताला ने जहां जहां खर्च करने का हुक्म दिया है वहां खर्च करो। मसलन ज़कात निकालो, सदकतुल फितर निकालो, कुर्बानी करो, हज फर्ज है वो करो, और लोगों का हक अदा करो। नंबर तीन, बखीली न करो, बखीली। नंबर चार, पैसे आने पर फखर और तकब्बुर मत करो। बाज लोगों के पास पैसे आते हैं ना तो चाल बदल जाती है, बात की स्टाइल बदल जाती है। हाँ, हजरत मौलाना यूनुस साहब पूना वाले एक बुजुर्ग थे दावत तबलीग के काम में, उन्होंने एक मर्तबा किस्सा सुनाया था कि एक बच्चा एक मौली साहब के पास कुरान पढ़ने आता था। तो मौली साहब ने बहुत दिन बाद पूछा, बेटा तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा, मौल साहब हिस्ट्री मत पूछो, इतिहास मत पूछो। फिर उस्ताद ने कहा, तो बेटा बताओ। तो उसने कहा कि मैं तो रेलवे स्टेशन के ऊपर लोगों की जेब काटने का काम करता हूँ, ये मेरा धंधा है, और टाइम मिलता है कुरान पढ़ने आ जाता हूँ। तो मौलाना ने पूछा, उसको समझाया, फिर पूछा कि बेटा तुमको कैसे पता चलता है कि किसके जेब में कितने पैसे हैं और तुम जो है उसके ऊपर कातर मारते हो, सेप्टिन मारते हो? तो उस बच्चे ने बड़ा अजीब जवाब दिया, कहने लगा, मौलाना उस्ताद, ये तो आप उस्ताद है ना इसलिए बताता हूँ, वरना ये अपना फन और टेक्निक किसी को बतला ही नहीं जाते। का ये है कि हम किसी के कपड़े नहीं देखते कि अच्छे कपड़े पहने हैं कैसे पहने। बाज मरतबा शानदार वट कट में निकलता है ना, अंदर खाली खम होता है। बाज लोग बड़ी सूटकेस ब्रीफ केस लेके निकलते हैं ना, जेब में 10 रुपये भी नहीं होते हैं। हम तो लोगों की चाल देखते हैं, चाल, यानी जब जेब में पैसे होते हैं तो चाल की स्टाइल ही बदल जाती है, हमको अंदाजा आ जाता है चाल से, और हम सीधा सेप्टिन मारते हैं, कातर मारते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तो पैसों के ऊपर फखर और तकबुर न हो। और नंबर पांच, पैसों के पीछे, दुनिया कमाने के पीछे पढ़कर दीन और अल्लाह और शरीयत से गफलत न होवे। आज मुसलमान दुनिया कमाने में इतना लगता है, इतना लगता है, इतना लगता है कि शरीयत को भूल जाता है, अल्लाह के दीन को भूल जाता है, नमाज को भूल जाता है। अरे कारोबार बिजनेस ऐसा है कि नमाज का टाइम नहीं मिलता, वो कहता है। देखो भाई कैसी बहानेबाजी है। तो माल कमाना हो तो ये पांच चीजें हमेशा जहन के अंदर रखो। और आगे क्या फरमाया, या अल्लज़ी जमा मालं वअद्दा, और वो माल गिन गिन के रखता है। इसका मतलब ये है कि माल को खर्च नहीं करता, लालच है उसकी वजह से माल जमा करता है, और बखीली है इसीलिए गिन गिन के रखता है, किसी को देखता नहीं है। देखो एक बहुत पते की काम की बात बताऊं, आपको हमेशा काम आएगी। हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरका, तुमने बहुत साल पहले एक बात बतलाई थी कि आदमी जिस चीज को बार बार देखता है ना तो उसकी मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर आ जाती है। जिस चीज को भी आदमी बार बार देखे उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है। तो पैसों को बहुत मत देखो वरना पैसों की मोहब्बत दिल में आ जाएगी। अब बाद लोग होते वो गिनते ही रहते हैं, अब जब गिनेंगे तो देखेंगे, तो बार बार गिनना, बार बार देखना, तो उसकी वजह से बस पैसे की मोहब्बत दिल के अंदर आ गई। तो ये भी एक गलत तरीका है। वरना जो है मामलात के लिए, हिसाब किताब के लिए गिनना कोई बुरी चीज नहीं। और कुतबे आलम हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका मैंने आपको तफसीर में इन मजलिस में सुना दिया था। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या सब अन्ना मालहू अखलदा, वो यूं समझता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। बहुत गलत बात है भाई,
माल कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, ये तो फानी है, आज है कल चला गया। मैंने बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों को रोड़पति देखा है भाई, अल्लाह आपको और मुझे बचा करके रखे। कच्छ के अंदर जब धरती कम जलजला हुआ था तब मंजर देखे, ओडिशा में साइक्लोन हुआ था तब मंजर देखे, ऐसे बहुत से मौके पर अल्लाह ने इबरत की चीजें दिखलाई कि बड़े बड़े करोड़पति रोड़पति बन जाते हैं। इसीलिए ये मत समझो कि ये माल हमेशा मेरे पास रहेगा, बिल्कुल नहीं। और दूसरा तर्जुमा किया, वो यूं समझता है कि उसका माल उसको हमेशा जिंदा रखेगा। माल ने कभी किसी को जिंदा रखा नहीं, वरना जो है दुनिया में कोई मालदार मरता नहीं, सब मालदार जिंदा रहते हैं। ऐसा थोड़ा ही कि पैसे होवे ने बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट ने इलाज करावे, हाई फाई ट्रीटमेंट करावे ने आदमी जिंदा रह जावे, ऐसा होता नहीं है। मुकद्दर की जिंदगी है ना, वही मिलती है। और जो है पैसे खरीदने से कोई लंबी जिंदगी नहीं मिल जाती। तो ऐसा मत समझो कि माल उसको हमेशा जिंदा रखेगा, कल्ला हरगिज ऐसा नहीं होगा। लयुंबगन फिल हुतमा, ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा जो हर चीज को चूरा चूरा करके रख देगी। हुतमा जो तोड़ डाले, चूरा कर देवे। और हुतमा जहन्नम के अंदर एक दर्जे का नाम भी है, इसके अंदर जिसको भी डाला जाएगा तो जहन्नम उसको तोड़ डालेगी, उसके बदन का टुकड़ा टुकड़ा कर डालेगी, उसको चूरा चूरा कर डालेगी। अल्लाह ताला ऐसी आग से हम सब की हिफाजत फरमाए। आगे अल्लाह ताला सवाल करते हैं, और खुदा सवाल इसलिए करते हैं ताकि वो चीज कितनी खतरनाक है वो हमें पता चले। वमा अदराका मल हुतमा, क्या तुमको मालूम है कि वो चूरा चूरा करने वाली चीज क्या है? नारुल्लाहिल मुकदा, अल्लाह ताला की सिलगाई हुई आग है। हाँ, अल्लाह की सिलगाई हुई आग कितनी डेंजर होगी वो आग, अंदाजा लगाओ। अल्लाह उस आग से हम सब की हिफाजत फरमाए। आगे क्या फरमाया? अल्लती तत्तलिउ अलल अफईदा, जो दिलों तक पहुंच जाएगी, जो दिलों पर चढ़ जाएगी। इस बात को जरा समझो। देखो दुनिया में अल्लाह आपको मुझे हमेशा आग से बचा करके रखे, तो अगर किसी को आग में डाल दिया जावे या किसी को आग लगती है तो उसकी चमड़ी जलती है, फिर गोश्त जलता है, फिर हड्डी जलती, इतने में तो आदमी मर जाता है। दिल तक आग जाने से पहले आदमी मर जाता है। इसीलिए इंसान का दिल जला उसकी तकलीफ मरने वाले को होती नहीं है, क्योंकि दिल तक आग जावे उससे पहले तो आदमी मर गया। लेकिन जहन्नम की जो आग है ना, वो कैसी है? ला यमूतु फीहा वला यहया, उसमें कोई आदमी मरेगा भी नहीं और जिंदा जैसा भी नहीं रहेगा। तो जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है, चमड़ी जलाएगी आदमी को तकलीफ हो रही है, गोश्त जलाएगी आदमी को तकलीफ हो रही है, हड्डियां जलाएगी आदमी को तकलीफ हो रही है, खून को जलाएगी आदमी को तकलीफ हो रही है, दिल को जलाएगी आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ऐसी खतरनाक जहन्नम की आग है। देखो दुनिया में आग अलग अलग तरह की है। नंबर एक, एक तो जो आग हम जनरली देखते हैं, जो गैस से, लकड़े से, कोयले से जो आग है हम सब जानते हैं, और उसकी गर्मी कैसी है वो भी सब जानते हैं। किसी को मालूम ना हो तो आज जरा घर में उस पर उंगली रख के देख लेना कैसी होती है दुनिया की आग, अल्लाह बचावे। नंबर दो, सूरज की गर्मी, ये भी बड़ी खतरनाक है। कल और आज 41-42 के ऊपर गर्मी पहुंची डिग्री,
तो सब आदमी परेशान, हर एक चाहता है कि एसी चले, एयर कूलर चले, एयर कंडीशन चले, एयर कॉन चले, इतनी गर्मी। नंबर तीन, आदमी के बदन के अंदर भी गर्मी होती है, बॉडी की गर्मी, जैसे कि बुखार आ गया, ताव आ गया, तो बुखार उससे भी आदमी को तकलीफ होती है। और चौथी गर्मी है वो जहन्नम की आग की गर्मी, वो खतरनाक जहन्नम की आग जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। और उस आग के लिए क्या फरमाया, अल्लती तत्तलियु अलल अफईदा इन्हा अलैहिम मुअसदा। देखो दुनिया में आग खुली रखो तो धीरे 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 वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो आग बंद करके रखो बॉयलर में, ये बॉयलर मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बॉयलर का मतलब फैक्ट्रियों में जो बॉयलर होता है वो, जिसमें आग जलती है। इसी तरह आपके घर में जो वो लकड़े वाला बम्बा होता है पानी गर्म करने का, उसमें भी देखो सब तरफ से आग बंद होती है, सिर्फ एक दरवाजे की तरफ से हम लकड़ियां रखते हैं, तो जो आग बंद होती है वो ज्यादा तेज हुआ करती है। तो जहन्नम की आग हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, इसीलिए वो जहन्नम वालों के लिए जरा भी ठंडी नहीं होगी, और जहन्नम वालों को वो बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी। फी आमदी मुमद्ददा, और ये जहन्नमी लोग लंबे लंबे खंभों के साथ बंधे हुए होंगे। जहन्नम की आग जो है ना, लंबे लंबे खंभों की तरह होगी, और जहन्नमियों को उसके साथ बांध दिया जाएगा। और देखो किसी को बांध दिया जावे इसलिए ताकि वो हिले नहीं, हरकत नहीं करे, तो जहन्नमियों को, नाफरमानों को बांध दिया जाएगा ताकि वो हिल भी न सके और उनको पूरी तकलीफ होवे, और खुद जहन्नम की आग भी लंबे लंबे खंभों की तरफ होगी। इसी तरीके से चारों तरफ आग के लंबे लंबे खंभे होंगे, जिसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा, और कहीं बाहर भाग भी नहीं सकेंगे, और जहन्नम के ऊपर भी आग के लंबे लंबे खंभे रख दिए जाएंगे, और उसकी वजह से वो अंदर से निकल भी नहीं सकेंगे। ऐसी खतरनाक वो जहन्नम की आग उनके लिए होगी। तो बहरहाल जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक होगी, तो ऐसी जहन्नम की आग के अंदर ऐसे लोगों को डाला जाएगा। तो ये तो हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करने वालों की सजा बयान की गई। आज भी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं, दूसरे मुसलमानों को भी सताते और परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी खतरनाक सजा इस आयत के अंदर बयान की गई। इसीलिए आज की ये तफसीर सुनकर के नियत कर लो, किसी भी मुसलमान के सामने भी उसका इंसल्ट और तौहीन नहीं करने की, कोई उसकी गलती बतलानी हो तो उसको धीरे से तन्हाई में समझा देने का, और किसी की गैर हाजिरी में उसकी पीठ के पीछे भी उसकी बुरी बात बयान नहीं करने की, वरना बड़ी खतरनाक जहन्नम की आग है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत बात बयान करते हैं और उनके पास कोई दलील भी नहीं होती है, बेदलील गलत बात बयान करते हैं। तो बहुत से लोग हैं कि दूसरों के बारे में गलत बातें बोलते हैं, मुंह पे आके बोलते हैं, पीठ के पीछे गलत बात बोलते हैं, और उनको कहो कि भाई आपके पास कोई दलील कि इन्होंने ऐसा किया, दलील कुछ नहीं, हमने सुना ने तो तेरा सुना हुआ क्या सब सही होगा। हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे ये रिवायत है, कफा बिल मरई कज़िबन अय हदीस बिकुल्ली मा समिआ, इंसान के झूठा होने के लिए काफी है कि हर सुनी हुई बात बोलना चालू कर देवे।
तो हमारी सुनी हुई बात कोई सच्ची थोड़ी होती है, बहुत सी सुनी हुई बातें झूठी होती है। इसीलिए भाई, और बाद लोग तो खाली अपने दिमाग से बदगुमानी करते हैं, दिमागी तुक्के लगाते हैं। वो सामने वाले ने बेचारे ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन खामोखा नहीं उसने ऐसा किया जे किया जे, जबरदस्ती कहते हैं उसने ऐसा किया जे, और फिर लड़ने झगड़ने खड़े हो जाते हैं। भाई ऐसे गुनाह से तोबा करो, ये बड़े खतरनाक गुनाह हैं, और ऐसे खतरनाक गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आज दुनिया के अंदर ये बुराइयां आम हैं, लोगों की पीठ के पीछे बुरी बात कहना, मुंह पर जो है टोन मारना, मुंह पर ऐसी बात कहना कि जिससे सामने वाले का इंसल्ट हो जाए, ऐसी तमाम बुरी बात से सच्ची पक्की तोबा कर लो। अल्लाह आपकी मेरी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसी जहन्नम की आग से हम सब की हिफाजत फरमाए, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, गुस्ताखी, बेअदबी कभी न हो। और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, बेअदबी, गुस्ताखी करते हैं, ऐसे गुस्ताखों से भी अपने आप को दूर रखने का, सेल्फ डिस्टेंस, अपने आप को बचा करके रखने का, और ऐसे गुस्ताखों को जो है उनका जो है हम लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो गुस्ताखी से दूर रहने वाले बन जावे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सहादत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इंसानियत के हाल के ऊपर रहम फरमाए, और इस तरह की बुराई और गुनाहों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक और सहादत अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल